नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 बजे के प्राइम बुलेटिन का। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पीएम ग्लोबल लीडर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ग्लोबल कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 9 जनवरी को पीएम गांधीनगर के महात्मा मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी 9 जनवरी को 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान गुजरात में रिकॉर्ड निवेश पर दस्तखत होने की उम्मीद है। ये सम्मेलन राजधानी गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। पीएम मोदी महात्मा मंदिर के पास हेलीपैड ग्राउंड में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम ग्लोबल कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ भी बैठक करेंगे। इसके लिए गुजरात सरकार पुरजोर तैयारियों में जुट चुकी है। पीएम के दौरे के मद्देनजर गुजरात में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो देखिए, जब बात गुजरात की होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग से गुजरात के साथ लगाव है, एक रिश्ता है गुजरात के साथ। और ऐसे में गुजरात में 10वें वाइब्रेंट सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके जरिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में गुजरात में किस तरह से निवेश बढ़े, किस तरह से रोजगार बढ़े, किस तरह से युवाओं का भविष्य बेहतर हो, किस तरह से गुजरात में रह रहे लोगों का विकास हो, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ चुका है और 9 बज चुके हैं और ऐसे में जो हमारे रिपोर्टर्स का पैनल है वो हमारे साथ जुड़ा है। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उनका ये दौरा बेहद खास गुजरात के विकास के लिए, दौरे को लेकर सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी आनंद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव चंद दिनों में ही होने वाले हैं। और अगर बात की जाए गुजरात, तो गुजरात से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वाइब्रेंट गुजरात जो समिट खुद प्रधानमंत्री ने ही शुरुआत की थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 8 तारीख से होगी और ये लगभग 10 तारीख को खत्म होगा। अपने 3 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री कई ऐसे समारोह हैं जहां शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि वो खुद बायलैटरल टॉक्स करेंगे यूएई की राष्ट्रपति के साथ। वो भी भारतीय दौरे में होंगे और वो खुद चीफ गेस्ट है वाइब्रेंट गुजरात कॉन्क्लेव के। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो भी होगा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री एक बार खुद जो वैश्विक लीडर्स है, जो सीईओ है बड़ी कंपनी से, उनके साथ मुलाकात भी करेंगे और कहीं ना कहीं उनको निमंत्रण देंगे भारत में आने का, इन्विटेशन देंगे बहुत तमाम इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। आप जान रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहें तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी से भारत एक है, तो आइए इन्वेस्ट कीजिए भारत में, कहीं ना कहीं इसके विकास में अपना साझेदार भी बनिए। और यही कारण है कि 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जहां वाइब्रेंट गुजरात कहीं ना कहीं उसको लेकर तमाम गुजरात की इकोनॉमी से संबंधित चीजों में रहेंगे, उसका लीडर्स मुलाकात करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं 3 दिवसीय दौरा बेहद आनंद। जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से भी संवाद करेंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं ना लोगों से मिलने को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और आज के दिन वो खुद लाभार्थियों से भी बात करेंगे, जो तमाम पीएम की योजनाओं से या कहें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए थे, वो भी 12 बजे करेंगे। तो पीएम जैसे से लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, कहीं ना कहीं पीएम हर एक व्यक्ति यानी 140 करोड़ में से तमाम व्यक्तियों को छूना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं उनके दिलों में क्या है, क्या क्या हमारी पॉलिसी सरकार तक पहुंची, सड़क तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो आखिरी कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है। और यही कारण है पीएम जैसे ही उनको मौका मिलता है हर एक व्यक्ति के पास जाना, उनसे बात करना और उनसे जानना चाहते हैं कि हमारी तमाम इकोनॉमी जो चल रही है तो उसमें उसकी कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि हर इकोनॉमी जो हमारी चल रही है उसमें हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपना योगदान है। जैसे ही इकोनॉमी धीरे धीरे चलेगी तो तमाम स्टेट्स को पीएम खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं देखना चाहता हूं। देखिए, और वैसे भी भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसे में मैं आपसे आनंद ये भी जानना चाहूंगी, देखिए गुजरात से एक अलग ही लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 3 दिवसीय दौरे पर जब वो आ रहे हैं तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो भाग लेंगे, उद्घाटन करेंगे। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इससे पहले भी कई बार ये समिट आयोजित किया गया है, तो क्या वाकई इसके जरिए जो निवेश
निवेश की बात कही जा रही है वो गुजरात में देखने को मिला है धरातल पर, क्या वाकई लोगों का विकास अब तक हुआ इससे? जी बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो आप जीडीपी देखेंगे गुजरात की जो तमाम स्टेट्स में नंबर वन है, कहीं कह सकते हैं कि उसकी जो सिचुएशन है जहां पे वो रहता है तो गुजरात कहीं ना कहीं समुद्र के पास रहता है तो उसको इकोनॉमिकली फायदा होता है। लेकिन आप देखिए जो चीजें पीएम ने शुरू की थी वाइब्रेंट गुजरात, वो सड़क पर धीरे धीरे उतर रही है और यही कारण है अगर स्टेट जीडीपी की बात की जाए तो गुजरात नंबर वन पर आता है, तमाम स्टेट उसके बाद में आते हैं जैसे महाराष्ट्र, उसके बाद अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जीडीपी रेस में कूदना चाह रहा है। तो आप देखिए तमाम देश तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं इसको लेकर कंपटीशन हो रहा है कि कौन देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देगा और यही कारण है कि तमाम प्रदेश जिसमें उत्तराखंड भी शामिल हो चुका है, उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है, इन्वेस्टर समिट्स बुलाते हैं जिसमें तमाम इन्वेस्टर्स को अपने राज्य में बुलाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो जीडीपी के साथ साथ पूरा पहिया घूमता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो डिमांड एंड सप्लाई पर सीधे असर पड़ता है और यही कारण है कि कंपनीज और प्रोडक्शन शुरू करते हैं जिससे लेबर्स और लोगों को काम मिलता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रदेश और धीरे धीरे इकोनॉमी देश की चलनी शुरू होती है और यही कारण है कि तमाम देश तमाम प्रदेश अपने साथ साथ इन्वेस्टर समिट्स बुला रहे हैं जहां इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं अपने प्रदेश में, बताते हैं कि हम क्या क्या सहूलियत दे रहे हैं और क्या। अच्छा आनंद, क्योंकि आपने जिक्र किया है लोकसभा चुनाव का तो ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है तो जनसभा को तो संबोधित गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन क्या इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से भी मुलाकात होगी ताकि आगे की रणनीति जो है गुजरात के लोकसभा सीटों को लेकर वो तैयार की जा सके? देखिए जो अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात वो स्टेट है जो बीजेपी के लिए हमेशा ही सेफ साइड रहता है। आपके विधानसभा चुनाव में देखा आपने बम्पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को और प्रधानमंत्री को खुद बोलना पड़ा था कि मुझे अपना ही जादू यात्रा तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जो इस वक्त सीएम है उनके लिए तमाम विधानसभा देखेंगे तो एक लाइन से सिर्फ बीजेपी के फुल सपोर्ट में रही और यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हर वो संभव कोशिश करना चाहती गुजरात के लोगों से मिले बैठे और समझाए सरकार की पॉलिसीज क्या क्या उन्होंने किया है और तमाम वो व्यक्ति जिसमें प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कि मैंने तीन देश अपने पूरे देश को चार जातियों में बांटा है, जो गरीब, यूथ, महिला और उसके साथ साथ पिछड़ा है, तो तमाम लोगों को कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट से फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो डिमांड एंड सप्लाई चलेगी। चलिए ठीक है, तो यानी कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात ना केवल सेफ साइड है बल्कि गुजरात का विकास भी पीएम मोदी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आनंद रुकते अगली बड़ी खबर का, सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस में होगी बात, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, दोपहर में आपके साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा, आपकी ओर से सांसद संदीप पाठक करेंगे बात, कैबिनेट मंत्री आतिशी भी होंगे शामिल, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी जिसमें आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार आखिर दिल्ली में कितने सीट शेयर करेगी कांग्रेस के साथ, इस पर मंथन होगा, इस पर चर्चा होगी, मंत्री सौरभ भारद्वाज इसमें शामिल होंगे। आज सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस में बात होगी, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का जो मसला है अब ये जोर पकड़ रहा है, दोपहर में आपके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और ना केवल सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जो तैयार किया गया है उसमें आखिर कांग्रेस को और तमाम जो बाकी दल हैं, बाकी पार्टियां हैं, उनको कितनी सीट मिलनी चाहिए, इस पर भी मंथन होगा। तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है, अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती, वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है, कल की रिपोर्ट के अंदर दो पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं।
कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें, और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें। इससे पहले खबरों में आगे बढ़े, हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जो है हमारे साथ जुड़ गया है, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद सिंह दिल्ली से लाइव, अक्षय आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चारुल शर्मा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे, गीतू चौहान अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, कंचन कनौडिया दिल्ली से, हैदर अली गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तो हमारे रिपोर्टर का जो पैनल है वो हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षय आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए। अक्षय, सीट शेयरिंग का जो मसला है, जो दाव पेच है, इसे सुलझाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, बैठक को लेकर पूरी जानकारी क्या, इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? अक्षय, दो दिनों से लगातार चल रही है, कल भी ये बैठक चली थी, कल ये जो बैठक थी वो बिहार के नेताओं के साथ थी, मतलब आरजेडी के साथ थी, आरजेडी की तरफ से मनोज झा और बाकी लोग जुड़े थे। आज जो है ये बैठक है आम आदमी पार्टी के साथ में है, अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं जुड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल तो खैर गुजरात दौरे पर हैं, उनके तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जुड़ेंगे, और ये लगातार बैठक चल रही है, आज आम आदमी पार्टी के साथ में है, कल कोई और पार्टी होगी, सभी पार्टियों के साथ में दलवार बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी के साथ में कितने, मतलब कितने हद तक सीट शेयर किया जा सकता है, मतलब किस राज्य में कितने हद तक सीट शेयर किया जा सकता है। पूजा, बिल्कुल अक्षय, लेकिन देखिए बहुत बड़ा मसला ये है कि हर पार्टी अपनी तरफ से ये चाहती है कि जिस राज्य में उसकी सरकार है उस क्षेत्र में दबदबा उनका ज्यादा बना रहे, और लाजमी सी बात है कि वहां पर लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो सीट को लेकर वो चाहेगी भी कि उन्हें ज्यादा सीट मिले। लेकिन जैसा कि आपने बिहार का जिक्र किया, आपको याद होगा, देखिए बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना वो 17-17 और 6 का बना, यानी आरजेडी जेडीयू 17-17 और 6 पर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हमें 11 सीटें चाहिए। तो क्या दिल्ली में भी कांग्रेस जो सीट की मांग कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है दिल्ली में? बिल्कुल पूजा, उसी बात को लेकर की बैठक भी चल रही है। जैसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने बोला था कि हम 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस ने बोला कि नहीं भाई हमको 11 सीट चाहिए। ठीक है, इसी बात से कल बैठक हुई है। अब इसके बाद आज जैसे आम आदमी पार्टी के साथ में बैठक है, कल जेडीयू के साथ में बैठक, हरेक राज्य में हरेक दल के बड़े नेताओं के साथ में बैठक होगी। उस बैठक में ये लोग आपस में असमंजस तैयार करेंगे कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, कितने हद तक हम सीट दे सकते हैं, क्योंकि दबदबा देखा जाएगा। अब कांग्रेस को भी पता है कि बिहार में उसका कितना हद तक दबदबा है, कहां तक वो जा सकते हैं, अगर ज्यादा सीट को ले भी लेते हैं, अगर संभव हो, अगर मान के चलिए कि 11-11 सीट दे भी देती है, 11-11 सीट पर तैयार भी हो जाते हैं आरजेडी और जेडीयू, तो क्या जितनी जो बाकी सीटें हैं उस पर कांग्रेस कितने हद तक जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में सारे लोगों को जीतना है, इनका मेन तो मुद्दा ये है कि इनको जीतना है। ठीक है, तो कांग्रेस को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम ज्यादा सीट अगर ले भी लेते हैं तो हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसी को लेकर के ये बैठक आम आदमी पार्टी के साथ में बैठक है। आम आदमी दिल्ली में हमारा है, दिल्ली मेरा है, तो हम आपको ज्यादा सीट कैसे दे दे। ठीक है, तो आज जो बैठक होगी उसी को लेकर है कि हम बहुत बड़ी बात है कि बेशक कांग्रेस राष्ट्र पार्टी हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्र पार्टी है, और ऐसे में कांग्रेस के बाकी पार्टियों के साथ जो संबंध है वो किस तरह के, वो तो जग जाहिर है। अब देखना होगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आखिर क्या मंथन के बाद फैसला होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अक्षय। रुक करते अगली बड़ी खबर का, सीट शेयरिंग पर मंथन करेंगे अखिलेश यादव, सपा नेताओं के साथ चर्चा करेंगे अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव की रणनीति को देंगे अंतिम रूप, प्रत्याशियों के चयन से पहले पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, 11 जनवरी तक पार्टी मुख्यालय में
मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देखें, पहले जेडीयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ मंथन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद अब आज आम आदमी पार्टी के साथ मंथन और चिंतन होगा। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आखिर उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों को लेकर क्या शेयरिंग होना चाहिए, किस तरह की स्थिति बननी चाहिए, कितने सीट देने चाहिए इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों को, इस पर मंथन किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी गुत्थी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि सीटों पर फैसला और सीटों पर सहमति ये बहुत मुश्किल नजर आता है। तो सपा नेताओं के साथ आज चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। सपा नेताओं के साथ चर्चा के बाद ये तय होगा कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप आज देंगे। प्रत्याशियों के चयन से पहले पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों को चुनने से पहले कौन सा वो जिताऊ चेहरा होगा जो पार्टी को यानी सपा को और इंडिया अलायंस को ज्यादा जीत दिला सके, इस पर फोकस रहेगा। चलिए तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए लखनऊ से। नीरज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे, और इतना ही नहीं उन्होंने साफ कहा है कि इस मीटिंग में पदाधिकारियों के साथ बात कर आखिर जिताऊ चेहरा कौन सा होगा, कौन प्रत्याशी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। नीरज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव बैठक करेंगे, मीटिंग लेंगे, तमाम पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और मंत्री उसमें शामिल होंगे, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, इस पर मंथन होगा। साथ ही अब लोकसभा चुनाव में जब अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्टियों पर होगी, तो ऐसे में उन सीटों पर जीत दर्ज कर पाना और सीटों को जीतना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और सीटों को कोई भी पार्टी तभी जीत पाएगी जब प्रत्याशी ऐसा हो जिस पर जनता भरोसा कर सके, जब प्रत्याशी ऐसा हो जो बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। और ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए अखिलेश यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को जीत दिलवा पाने की। अब इस जिम्मेदारी को कैसे और पूरा करेंगे अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होता है, आखिर प्रत्याशियों को लेकर क्या मंथन होता है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो आज ये बैठक बेहद खास, 11 जनवरी तक पार्टी मुख्यालय में मंथन होगा, तो 11 जनवरी तक ये मंथन चलेगा। एक बार फिर हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। नीरज, सपा की ओर से बड़ी बैठक होनी है 11 तारीख तक, ये बैठक और चिंतन किया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जो ऐसी उस पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, और साथ ही प्रत्याशी कौन सा हो जो क्षेत्र पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को जीत दिला सके, इंडिया अलायंस को जीत दिला सके। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे जो विपक्षी दल है इस समय वो अपनी अपनी प्लानिंग में जुटे हुए हैं, और इसी के तहत अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पे अपने जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी एक अहम बैठक बुलाई है, और बैठक में ये चर्चा होगी कि आखिर किन सीटों पर हम मजबूत हैं, किन सीटों पर हम अपना धावा करें, अगर इंडी गठबंधन में जो इंडिया इन्होंने गठबंधन बनाया है अगर उसमें सीट शेयरिंग की बात होती है, कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है तो उसको किस तरह से रखा जाए कि 50 से 55 या 60 से 65 सीट समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो लड़े, तो आखिर ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं उन पर नाम तय होगा। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी की महज 3 सीटें हैं, 2 सीटें वो हार चुकी है उपचुनाव में,
तो अब उन चीजों को देखना होगा कि आखिर 80 में से जो 3 सीटें हैं इसे कैसे बरकरार रखी जाए, और इसके अलावा अधिक से अधिक किस तरह से सीटों तक जो है अपना दावा किया जाए। पहले तो अपनी जो जो सीटें हैं उसको कैसे एकजुट किया जाए, और दूसरी बात कि जब इंडिया गठबंधन की इनकी बैठक होगी तो उसमें ये क्या कुछ रखें कि इनकी बात फाइनल हो जाए, क्योंकि 2019 में जिस तरह से मायावती से गठबंधन किया था, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किया था, उसका कोई खास फायदा नजर नहीं आया। साफ तौर पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास जो 30 सुरक्षित सीटें हैं उसे सुरक्षित रख पाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा बाकी सीटों पर आखिर समीकरण क्या बनते हैं वो बैठक के बाद तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे रिपोर्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हर एक राज्य में आखिर क्या कहती है खबर और क्या है पूरी जानकारी विस्तार से एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए हमारे साथ आनंद सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अक्षय आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे मुंबई से, चारुल शर्मा अयोध्या से, गीतू चौहान भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, कंचन कनौडिया दिल्ली से, हैदर अली गाजियाबाद से, और नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। अक्षय आनंद और आनंद सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के यूके के दौरे पर रहेंगे। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना की सरकार बनेगी, और ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिस पर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए तो 9 बजे के ब्रेक में आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सोमवार को फिर बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, 87 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुल गया है। 72,113 अंकों पर बीएसई में कारोबार जारी है। 2 दिन के बाद भी शेयर बाजार में चमक बरकरार है। निफ्टी 50 में भी दिख रही है हल्की बढ़त। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 2 दिन के बाद शेयर बाजार में चमक बरकरार है। एक बार फिर से इजाफा यहाँ देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी दिख रही है हल्की बढ़त। इसके साथ ही सोमवार को फिर बढ़त के साथ शेयर बाजार खुल गया है। तो 87 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला। 72,113 अंकों की बीएसई में कारोबार जारी है। 2 दिन के बाद भी शेयर बाजार में चमक बरकरार। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे मुंबई से इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, सोमवार की शुरुआत के साथ ही शेयर बाजार में एक बार फिर से इजाफा, एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। देखिए पूजा जी, अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो कारोबार उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि लगातार गिरावट देखने को मिली थी शेयर मार्केट में, लेकिन आज दूसरा सप्ताह है और सोमवार का दिन है, तो ऐसे में 80 से 100 अंकों के बीच जो है सेंसेक्स वो खुलते हुए दिखता है। देखिए शुरुआती अब तक जो बात करें तो टाटा स्टील, एलएनटी, इसके अलावा और बजाज फाइनेंस जैसी जो कंपनी, उनकी शेयर में काफी उछाल देखने को मिला है। तो इस हफ्ते भी कारोबार होने की अच्छी उम्मीद दिखाई जा रही है, क्योंकि आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है, तो इसमें पिछले सप्ताह जो कारोबारियों को नुकसान हुआ, तो इस हफ्ते जो शेयर में उछाल देखने को मिले तो उनकी बिट प्राइस जो है वो महंगे होते हैं, शेयर महंगे होते हैं तो वो अच्छे दाम उन्हें बेच सकते हैं। इस वजह से इस हफ्ते कारोबार होने की अच्छी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हालांकि देखिए आज यूएस डॉलर की अगर बात करें, यूएस मार्केट शेयर मार्केट की बात करें, तो वहां से 0.5% के आसपास जो है भारतीय शेयर बाजार में आज काफी अच्छा जो है वो सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शुभम, देखिए और वैसे भी 2024 जब नए साल की शुरुआत हुई तो उम्मीद यही थी कि 2024 न केवल शेयर बाजार के लिए बल्कि इकोनॉमी के तौर पर भी अगर देखा जाए उस मद्देनजर से तो उस लिहाज से भी काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल देखिए पूजा जी, अगर दिसंबर से कंपेयर करेंगे आप तो दिसंबर के 2-3 सप्ताह शेयर बाजार काफी अच्छे अंकों के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहे थे, कारोबारियों को काफी अच्छा उसमें जो है फायदा देखने को मिला, लेकिन जनवरी के शुरुआती फर्स्ट वीक की बात करें, 1 से 7 तक की बात करें, तो उसमें कारोबारियों को काफी नुकसान होते हुए दिखाई मिला। जिस तरह से उम्मीद
जो जताई गई थी कि भारतीय शेयर बाजार जो है अच्छे अंकों के साथ खुले, लेकिन उस तरह की संदेह, लेकिन राहत की बात है, खुशी की बात है कि आज पहला दिन है सप्ताह का, महीने का सप्ताह जो है पहला दिन है, दूसरा सप्ताह है, तो ऐसे में उम्मीद जताई गई है कि सप्ताह भी कारोबार जो है वो अच्छा हो सकता है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जिस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर थे उनमें काफी उछाल देखने को मिला, तो जो शेयर मार्केट का पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उन्हें काफी जो है वो राहत मिलेगी कि शेयर के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंदिर का पहला तल बनकर तैयार है। सिर्फ 84 सेकंड का समय है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिसमें मुहूर्त कार्यक्रम के लिए बांटे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। संतों से लेकर आम जन में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह है, काफी खुशी है, क्योंकि ये पल, ये क्षण ना तो कभी देखा गया और ना अब कभी देखा जाएगा, क्योंकि घर घर न्योता भेजा जा रहा है, लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और उसके लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी इस क्षण का, इस पल का साक्षी बने। हालांकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद से राम मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा, जहां आप दर्शन कर पाएंगे प्रभु श्री राम के। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और इंतजार खत्म होने के साथ ही 84 सेकंड का समय तय किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी गीतू और साथी चारुल शर्मा भी। सबसे पहले चारुल, आपका रुख करूंगी, और आज क्योंकि देखिए एक एक कर दिन बीतता जा रहा है और बीतते दिन के साथ ही जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि 22 जनवरी का समय बेहद नजदीक। ऐसे में आज किस तरह का माहौल है और तैयारियां क्या अब अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है? चारुल, बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे अहम चीज है कि अगर हम अयोध्या की बात कर ले तो यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है, निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन पूरे शहर को सजाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या पुरानी से नई होती जा रही है। अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ ऐसे घर अभी भी हैं जिन पर काम होना बाकी है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अब हम, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि इधर की तस्वीरें दिखाएं, यहां पर आप देखेंगे कि पूरे शहर को सजाया जा रहा है, यानी जो लोग अयोध्या आएंगे उन्हें एक नई अयोध्या मिलेगी, आध्यात्मिक अयोध्या में विकास की बयार बहती दिखेगी। और इसी के साथ साथ देखिए एक चीज आप समझेंगी कि यहां पर हर जो दुकान है उसे एक सा सजाया जा रहा है और दुकान के शटर पर आपको बजरंग बली नजर आएंगे, जय श्री राम लिखा हुआ नजर आएगा, गदा बनी हुई नजर आएगी, त्रिपुंड नजर आएगा, यानी यहां पर ये पूरा एक धार्मिक नगरी के साथ साथ दुकानें जब खुलेंगी तो आपको नजर आएंगी पूजा से जुड़ी हुई सामान, पूजा से जुड़ी हुई वस्तुएं, दुकान जब बंद होगी तो आपको नजर आएंगे बजरंग बली, जय श्री राम, यानी एक भाव जो है वो हर दिशा में नजर आएगा। मैं यहां पर एक दुकान के सामने खड़ी हूं, आपको यहां पर तस्वीरें दिखाती हूं कि क्योंकि एक ऐसी यहां पर हवा बहने लगी है कि हर कोई अध्यात्म की ओर पहले से ही था लेकिन अब और ज्यादा रुझान नजर आ रहा है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेंटिंग्स बनाई जा रही है, मूर्तियों को सजाया जा रहा है। आप देखिए यहां पर देख सकते हैं, हम लोग 2 से 3 दिन से इनके पास आते हैं और हम रोज देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें सजाया जाता है। ये अभी कुछ ऐसी पेंटिंग, कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें रंगा नहीं गया है। बिल्कुल, देखिए खूबसूरत मूर्तियां हम साफ देख पा रहे हैं और मुझे लगता है ये नजारा हर एक गली का और हर एक चौराहे का है अयोध्या में। गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, कहाँ मौजूद हैं आप? क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ जय श्री राम का वो झंडा और वो भगवा रंग जिसे लहराने के लिए 22 जनवरी का इंतजार हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर एक सनातनी को है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं राम पथ पर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी अब चारों तरफ हर तरफ यही कह सकते हैं राममय होती जा रही है, तैयारियां पूरी चल रही हैं, लेकिन जो सुरक्षा है उस पर अब खास फोकस बना हुआ है और कहीं ना कहीं पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई भी कमी सुरक्षा में ना हो, जिसके लिए अब ये तय किया जा रहा है कि सिर्फ जिन लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा वो ही गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ साथ 11 बजे से पहले एंट्री होगी। अगर आप चाबी रिमोट वाली कोई रखते हैं, फ़ोन, ईयरफोन या फिर कोई भी गैजेट्स अगर होगा तो उसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ जो साधु संत वहाँ पर जुड़ेंगे, अगर उनके साथ कोई शिष्य आता है तो उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी जिन लोगों को निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है सिर्फ वो एंट्री कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी के साथ कोई सुरक्षाकर्मी आता है तो उन्हें भी कार्यक्रम स्थल से बाहर ही रहना होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप समय से एंट्री ले लें, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, आप अगर समय से पहले एंट्री लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो उसके बाद एंट्री मिलना मुश्किल है। और ये सब जो डेडलाइंस वो तय कर दी गई हैं कि आपको सिर्फ इसी समय तक आना है, चाहे फिर वो कोई भी VIP अगर 11 बजे के बाद आएगा तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी हाईटेक व्यवस्था की गई है ये देखने के लिए कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो। यानी ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम तो किए गए हैं, साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चारुल, आपसे जानना चाहूंगे, देखिए गीतू ने बताया कि समय से अगर कोई नहीं पहुंचता है तो उसे अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच जो आम जन है जिन्हें निमंत्रण नहीं भी दिया गया उनके बीच भी खासा उत्साह है, तो क्या उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं 22 जनवरी के दिन राम मंदिर पहुंचने का, वहां पर दर्शन करने का? मुझे देखिए सबसे अहम चीज़ है कि ये वो पल है जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है, देश ही नहीं विदेशों में भी देखिए हर कोई ये चाहता है, क्योंकि राम भक्त सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि विदेशों में भी हैं, हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। कल मेरी चंपत राय जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि आप अपने घर में बैठ कर ANI और दूरदर्शन के माध्यम से देखें भव्य राम मंदिर में जब रामलला को विराजित किया जाएगा, विराजमान जिस दौरान वो होंगे, तो उनका कहना है कि आप घर में बैठ कर देखें। और आलम यह है, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि देश ही नहीं विदेशों में भी, तो पेरिस में भी 21 जनवरी को राम नाम की यात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे, राम रथ यात्रा जिसमें करीब 1,00,000 राम भक्त शामिल होने वाले हैं। यानी अब ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा समारोह बन गया है कि प्रभु श्री राम एक बार फिर से गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, कि विदेशों में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ऐसे में आपको याद होगा ऋषि सुनक जब एक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले जय सिया राम बोलते हैं, तो ये है वो नाम जिसने पूरे विश्व को जोड़ा हुआ है, और इसीलिए जुड़कर हर कोई ये चाहता है कि अयोध्या पहुंचे और साक्षी बने। और इसी के लिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की ओर से अपील भी की गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचें कि आपको अयोध्या आना है और राम मंदिर आना है, क्योंकि वहां पर वही लोग पहुंच पाएंगे जिन्हें निमंत्रण। ठीक है चारुल, गीतू आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कल भी आपने जो तस्वीरें दिखाई थी, तमाम जो कलाकृति है वो देखने को मिल रही है, तमाम पेंटिंग्स, और अयोध्या को रंग से रंग दिया गया है, हर जगह प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान की तस्वीर नजर आती है। तो अब अगर हम बात करें, चारुल ने भी कहा कि दिन रात यहाँ पर काम जारी है, लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी राम मंदिर का बहुत सा काम ऐसा है जो बाकी है, तो क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, कब तक आखिर उसे पूरा कर लिया जाएगा, कब तक यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम किए गए उन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि डेडलाइन तो 22 तारीख की दी गई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर थोड़ा बहुत काम अगर बचेगा तो उसके बाद उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी सभी की, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और कहीं ना कहीं रातों रात ये काम चल रहा है, रात में भी जो कर्मचारी है, जो वर्कर्स हैं वो आराम नहीं कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं लगन है, भक्ति है, और डेडलाइन है कि 22 जनवरी तक जब रामलला का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त कोई काम ऐसा ना रह जाए जो कि अधूरा रह जाए। हालांकि गर्भगृह भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसके साथ साथ जो लगातार ये बात कही जा रही थी श्रद्धालुओं को कि वो अपने घर में रह के। चले ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। रुक करते अगली खबर का, राज्यसभा के लिए नामांकन करेगी स्वाति मालीवाल, आपने स्वाति मालीवाल को घोषित किया उम्मीदवार, दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख है स्वाति मालीवाल, सुशील कुमार गुप्ता की जगह बनाया गया उम्मीदवार, आप हरियाणा इकाई के प्रमुख हैं सुशील कुमार गुप्ता, जिनके
बाद अब स्वाति मालेवाल को बनाया गया है उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की ओर से, और इसको लेकर अब गहमा गहमी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो राज्यसभा के लिए नामांकन करेगी स्वाति मालीवाल। आपने स्वाति मालीवाल को घोषित किया उम्मीदवार। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख हैं स्वाति मालीवाल। सुशील कुमार गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को दी गई, और आप हरियाणा इकाई के प्रमुख हैं सुशील कुमार गुप्ता, जिनकी जगह आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को दी है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कंचन कनोडिया जुड़ गई है। कंचन, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए स्वाति मालीवाल को चुन लिया है और अब उन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, इस पर ज्यादा अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया था उस दौरान भी स्वाति मालीवाल उनसे जुड़ी रही थी। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी उसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी रही। उनके काम से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, 3 बार वो नियुक्ति की गई, और अब उनके काम से और ज्यादा प्रभावित होकर उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी जा रही है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए उनका नाम नामित किया गया है, चयनित किया गया है। संजय सिंह और एनडी गुप्ता की, एनडी गुप्ता जो है वो पहले राज्यसभा थे, जिन्हें रिप्लेस कर रही है स्वाति मालीवाल। कहा जा रहा है कि इस साल होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनावों में एनडी गुप्ता अपना वहां पे सक्रिय रहेंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो करते अगली बड़ी खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से ब्रिटेन दौरा, 2 दिन के दौरे पर यूके के रक्षा सचिव से वार्ता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम ऋषि सुनक से कर सकते हैं मुलाकात राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी रहेगा, DRDO के सेवा मुख्यालय के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे, जहां वो ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से तमाम मुद्दों पर चर्चा और बातचीत की जाएगी। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में सर्द हवाओं के कारण लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में ओले का अलर्ट जारी किया गया है। 20 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। झारखंड में हल्की बारिश की संभावना। पंजाब में 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए ठंड के कारण। 14 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया गया है। तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और कोहरा डबल अटैक कर रहा है लोगों पर। तो देखिए उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओले गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 20 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में 10वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्लोज कर दिए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सर्द हवाएं यानी कि कोल्ड वेव की मार आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। उत्तरी राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर में अगले 5 दिनों तक कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सर्द मौसम रहने से डल झील पर बर्फ की चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और साथ ही बर्फबारी की यहां पर संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 9 जनवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में 8 और 9 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं और साथ ही लोगों को कई राज्यों में कोल्ड वेव का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमारे लगातार 9 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर एक खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। और 14 जनवरी तक फिलहाल स्कूलों को बंद किया गया है हरियाणा में।
कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश राजस्थान में ओले का अलर्ट जारी किया गया है। 20 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार झारखंड में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब में 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो पंजाब में 10वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। 14 जनवरी तक ये स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैदर अली गाजियाबाद से हैं और नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।